दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है चटनी पोहा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम यहाँ पे चटनी वाले पोहा बना रहे हैं। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। अब इसमें हम कुछ कैशूज ऐड करेंगे। काजू हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे हम ले लेंगे। इसी पैन में हम 1/3 स्पून जीरा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कुछ वेजीज लिए हैं, बेल पेपर्स लिया है, ग्रीन पीस लिया है और फ्रेंच बीन्स लिए है, वो ऐड करेंगे हम। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और वेजीज भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम 2-3 टेबलस्पून ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, स्पाइसी ग्रीन चटनी, वो ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, वो ऐड करेंगे हम। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/3 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 लेमन ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो काजू हमने रोस्ट किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चटनी पोहा हमारा रेडी है टू सर्व। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा।